सुनिए हमारी वीडियोस की ऑडियो वर्जन सिर्फ खबरी ऐप पर, अभी डाउनलोड करें। मेरा नाम तान्या अनेजा है, मैं पेशे से बिजनेस जर्नलिस्ट हूँ और मैं कविताएं भी लिखती हूँ। मेरी जो कविता है उसका शीर्षक जो है वो है जब याद तुम्हारी सताती है। हम नए शहरों में जाते हैं, हमें उस शख्स की बहुत याद आती है जो हमारे दिल के बहुत अजीज़ है, बहुत करीब है। तो मेरी ये जो कविता है वो उसी शख्स को डेडिकेटेड है। तो मैंने कुछ यूँ लिखा है, जब याद तुम्हारी सताती है आँख हल्की सी भर आती है, हंस के आंसुओं को पोंछ लेती हूँ, तुम्हारी फ़ोटो को एक बार फिर देख लेती हूँ, वीडियो कॉलिंग का सहारा लेके काम चला लेती हूँ, दिन भर की थकान तुमसे बात करके मिटा देती हूँ। जब चाय बनाने जाती हूँ तब याद तुम्हारी आती है, कई बार इस चक्कर में पत्ती ज़्यादा और चीनी कम रह जाती है। कुछ किस्से हैं जो रोज़ सुनाना चाहती हूँ, दिल में छुपी हर एक बात तुम्हें बताना चाहती हूँ। गले मिले हुए तुमसे एक अरसा हो गया, और रात को जब याद आई तुम्हारी तो पूरा तकिया गीला हो गया। उदास तुम भी हो इतना तो जान गई थी मैं, तुम्हारी फीकी हंसी आसानी से पहचान गई थी मैं, पर ये भी पता था कुछ नहीं बताओगी तुम, हमेशा की तरह एक परफेक्ट माँ का फ़र्ज़ निभाओगी तुम। चाहे कितनी भी बिजी हो फिर भी मेरा फ़ोन उठाओगी तुम, और मेरी हंसी सुनकर ही अपना दिन बनाओगी तुम। मुझे याद करके नमक थोड़ा सा ज़्यादा डाल जाओगी तुम, और हर दिन थोड़ा सा कम मुस्कुराओगी तुम। मेरी फ़ोटोज़ देखकर अपना मन बहलाओगी तुम, किसी से ना कुछ कहकर सब कुछ अंदर ही पी जाओगी तुम, और हमेशा की तरह एक परफेक्ट माँ का फ़र्ज़ निभाओगी तुम। पर कुछ चीज़ें मैं भी तुमसे छुपाती हूँ। तुम कहती हो ना माँ कि तुम्हें रोज़ हिचकियाँ बहुत आती हैं, वो क्या है ना, इस नए शहर में मुझे भी तुम्हारी याद बेहद सताती है। थैंक यू।